नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का स्वागत करता हूँ सा एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके और स्टेटिक जीके क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी और अन्य जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अगर हम बात करें दोस्तों, सूरसेन महाजनपद की राजधानी वर्तमान के मथुरा में हुआ करती थी। तो प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे इसकी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? यानी दोस्तों, संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज, ये एक जगह के अलग अलग तीन नाम्स हैं। संगम नगरी से आपको समझ में आ रहा हो कि दोस्तों कि ये इलाहाबाद का नाम है, क्योंकि अयोध्या, मथुरा और महिलाबाद, लखनऊ, यहाँ पे संगम नहीं है। तो प्रयागराज, जिसका नाम इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया था। तो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले या इलाहाबाद जिले का नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध सही है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, भोटिया, बाराबंकी, ये भी सही है, बुक्सा, बिजनौर, ये भी सही है, रांची, गोरखपुर, ये भी सही है, और अगर हम बात करें दोस्तों, थारू बादा, तो अगर इसमें क्या, सॉरी दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्न में से किसका संबंध सही है? तो भोटिया, बाराबंकी ये नहीं होगा, रांची, गोरखपुर ये नहीं होगा, थारू बादा ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है बुक्सा, यानी ऑप्शन नंबर बी, बुक्सा बिजनौर, ये सही है, इनका कॉम्बिनेशन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो थारू जनजाति दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसमें आपको मैक्सिमम आज जो क्वेश्चन मिलेंगे यूपी जीके से संबंधित है, यूपी के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। लगभग आपको 16 क्वेश्चंस आपको यूपी के ही मिल जाएंगे, और उन 16 से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। लगभग आप 20 से 25 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? देव छठ मेले की अगर हम बात करें दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में जो दाऊजी में लगता है। दाऊजी की बात करें तो ये मथुरा के पास का क्षेत्र है। तो दाऊजी जो है मथुरा के पास का, यानी मथुरा के निकट का क्षेत्र है, और देव छठ का मेला दाऊजी में लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन, श्रृंगी रामपुर में श्रृंग ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर हम बात करें दोस्तों इस मंदिर की, तो फारुखाबाद में यह मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो भी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप इस क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी पा जाएंगे उस टेलीग्राम चैनल को। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो अगर हम बात करें दोस्तों इस मंदिर की, तो ये मंदिर देवगढ़ में पाया गया है। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में पाया गया है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर दशावतार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं ये दुर्गा जी की पूजा
करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राज्य में पिस्सु पांचोई में दिया आई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो अंसारी जनजाति के द्वारा ये त्यौहार मनाए जाते हैं या ये सेलिब्रिटी का प्रयोग मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा है। तो अभी आपको हाल ही में बहुत सारे जो अयोध्या के बारे में म्यूजिक और बहुत सारी चीज़ें जो उनके बारे में न्यूज़ बहुत देखने को मिल रही हैं, तो अयोध्या में जो 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन है उससे संबंधित आप क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना है कि अयोध्या की जो मंदिर का उद्घाटन किस तारीख को है। तो यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है, तो ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। तो अगर हम बात करें दोस्तों अशोक के द्वारा तीर्थ यात्रा के रूप में लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर और उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अशोक के द्वारा सभी स्थानों की जो तीर्थ यात्रा की गई है। उसके बाद भुइयां व बुनिया नामक जनजाति किस राज्य के जिले में निवासरत है। तो उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें किस जिले में भुइयां व बुनिया नामक जनजाति पाई जाती है, तो अगर हम बात करें इन जनजाति की, तो ये जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट लगभग बहुत सारे राज्यों को टच करता है, वो मध्य प्रदेश को भी, बिहार को भी और झारखंड को भी, सीजी को भी ये टच करता है। तो ये जिला लगभग बहुत एरिया में बड़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो बी नंबर, थारू जनजाति के द्वारा ये जो सेलिब्रेशन त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर का, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था या थी। तो अगर हम बात करें दोस्तों प्राचीन काल में जो मथुरा ये सुरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य क्या है। तो जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य की अगर हम बात करें घुमसु, झेला, रासु, ये तीनों नृत्य जौनसारी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों दो टाइम रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। तो अगर हम बात करें दोस्तों बिजनौर जिले में राज्य की कौन सी जनजाति निवास रत है, तो माही गिर जो जनजाति है बिजनौर में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हर साल 5 जनवरी को पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर हम दोस्तों सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में बात करें तो जी राम मोहन राय को कार्यकारी निदेशक के रूप में सेबी के द्वारा नियुक्त
किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विकासशील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेश्चन आज आप 20 क्वेश्चन की एमसीक्यूज किए हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।